हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला। मैं हिमांशु डोडवाल, जिसके साथ आप पढ़ रहे थे प्रपोजिशंस यूपी डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर की इंग्लिश में, जिसमें हमने दो क्लास पढ़ चुके हैं प्रपोजिशंस के ऊपर ही। चार पार्ट में डिवाइड किया था हमने प्रपोजिशन को। पहला था आपका प्रपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा था प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन, तीसरा था आपका प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और चौथा पार्ट था आपका अदर प्रपोजिशंस, जिसमें हम इम्पोर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्व रखते हैं उनका अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि ऐसे प्रपोजिशंस बहुत हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और जितने प्रपोजिशंस हो सकेंगे उतने कराएंगे, और जितने बचेंगे वो आपको पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अगली क्लास, हम प्रपोजिशन पढ़ते हैं हम अगला, इन फ्रंट ऑफ। But before, देखिए इन दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा ही होता है। इसका अर्थ होता है आपका के समक्ष, और इसका अर्थ होता है के सामने। मतलब केवल यह है कि इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है थिंग्स के लिए, वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, और बिफोर का प्रयोग किया जाता है पर्सन्स के लिए। जैसे देखिए, जैसे इसका यूज देखिए, इस ए लॉयर वाज स्टैंडिंग बिफोर द जज, ये क्या है आपका, ये पर्सन है, और कहां, किसके सामने खड़ा है, जज। तो क्या सेंटेंस बनेगा, ए लॉयर वाज स्टैंडिंग बिफोर द जज। अब देखते हैं इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो क्या यहां पर निर्जीव वस्तुएं, तो इन फ्रंट ऑफ। और बिफोर का प्रयोग किया जाता है जीवित वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, जैसे ए लॉयर वॉज स्टैंडिंग बिफोर द जज। ये हुआ अगला प्रपोजिशन हम देखते हैं, beside और besides, उनका प्रयोग कब किया जाता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है और एरर भी बहुत आती है एग्जाम में। देखिए beside और besides, beside का मतलब होता है के बगल में, यानी कि या के साइड में, साइड के लिए, बाई साइड ऑफ। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है। तो अब इनका प्रयोग देखिए सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है। जैसे ही वॉज सिटिंग beside me, वह मेरे बगल में बैठ रहा था, और ये था beside का। अब देखते हैं besides का, besides food he took some medicines, यानी खाने के अलावा उसने कुछ दवाइयां भी ली। ही टुक सम मेडिसिन टू, ठीक है। तो बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है के बगल में,
केवल अंतर कितना है इन दोनों की स्पेलिंग में, केवल बाद में इसमें एस लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिसाइड का अर्थ होता है किसी के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। अगला हम देखते हैं कंफ्यूजन जो होगा थोड़ा और, अगला है इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है के बावजूद, अर्थ गलती कहाँ करते हैं आप, डेस्पाइट के साथ भी ऑफ का प्रयोग कर देते हैं, जैसे इसमें लिखा है इन स्पाइट ऑफ, आप गलती कर देते हैं डेस्पाइट के साथ भी ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग कर देते हैं, जो हो जाता है आपका गलत। सेंटेंस से समझिए, जैसे इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड He failed, ठीक, ये हुआ in spite of। अब देखते हैं despite का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, despite being rich he is not happy। दोनों का अर्थ एक ही है, इन दोनों में ऐसे किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं के बावजूद के लिए, केवल ध्यान कहाँ रखना है आपको कि डेस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है और इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात इन दोनों के प्रयोग में केवल आपकी यही है कि इसके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये हुआ आपका। अब देखते हैं अगला, समझ में आया अगला, तो अब देखते हैं हम लोग मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, कब मेड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा और कब मेड फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। मेड ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है जब स्टेट में चेंज ना हो रहा हो, अवस्था में चेंज ना हो रहा हो, नो चेंज इन स्टेट, अवस्था में उसकी कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। और फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है चेंज इन स्टेट, यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो उसकी। जैसे देखिए सेंटेंस से समझिए, इसका सेंटेंस देखिए, अलमीरा इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम द वुड। अगला सेंटेंस, इसे रुकिए अभी, इसे तो अभी, कर्ड इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो इसमें क्या है, अलमीरा इज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम द वुड, लकड़ी अलमारी जो बनती है लकड़ी से बनती है, तो इसमें लकड़ी थी, अलमारी बनने के बाद भी वो लकड़ी रही, और कुछ तो बना नहीं, लोहा तो बन नहीं गई, पहले भी लकड़ी थी, अलमारी बनने के बाद भी वो लकड़ी है, तो इसमें आपकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो आप इसमें प्रयोग करेंगे मेड ऑफ, ठीक है, मेड फ्रॉम का प्रयोग आप नहीं करेंगे क्योंकि इसमें स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अगला है कर्ड इज मेड ऑफ मेड फ्रॉम द मिल्क, इसमें स्टेट चेंज हो रही है क्योंकि मिल्क होता है लिक्विड और कर्ड आपका सॉलिड, और सॉलिड जो सॉलिड जैसा हो जाता है, तो इसमें आपकी स्टेट चेंज हो रही है, तो आप यहां प्रयोग करेंगे मेड फ्रॉम का, मेड ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के प्रयोग में अर्थ समझ में आया, जब स्टेट में चेंज हो रहा हो तब प्रयोग करेंगे आप मेड फ्रॉम का, अगर स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है तब प्रयोग करेंगे आप मेड ऑफ का, ठीक है। ये हो गया आपका मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। अगला लेते हैं कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज,
कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज इन दोनों का अर्थ भी एक एक ही होता है, से बना होना या समावेशित होना। ठीक, सेंटेंस से समझिए, इसमें आपको इसमें भी कहाँ गलती होती है, जो हम इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में गलती करते हैं वो गलती यहाँ करते हैं। कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है और कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए सेंटेंस से समझिए, दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक, कंसिस्ट प्रयोग किया गया ऑफ आया इसके साथ। यही सेंटेंस बनाइए कंप्राइज के साथ, दिस क्लास कंप्राइजेस 100 स्टूडेंट्स। गलती कहाँ होती है इसमें, गलती होती है यहाँ, कंप्राइजेस के साथ आप प्रयोग कर देते हैं प्रपोजिशन ऑफ का, बल्कि इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन प्रयोग नहीं किया जाता है। कंसिस्ट के साथ प्रयोग किया जाता है आपके प्रपोजिशन ऑफ का, पर अगर कंप्राइजेस प्रयोग किया गया है आपके सेंटेंस में तो इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। ये थी याद रखने वाली बात, क्योंकि एरर कहां बनती है आपके एग्जाम में, सेंटेंस लिख के आता है दिस क्लास कंप्राइजेस ऑफ, सेंटेंस ऐसे लिख के आता है और आपको गलती पहचाननी है कहां पर गलती है, तो आप प्रपोजिशन हटा देंगे। ठीक, ये हुआ आपका कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज। अब देखते हैं हम लोग एक और ऐसी तरह से कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन, वेट और अवेट। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है इंतजार करना, पर इसके साथ आप प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे फोर का, और इसके साथ किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीज़ें पढ़नी आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में एरर यहीं से बनती है, क्योंकि दोनों में दोनों का अर्थ एक होता है, पर एक के साथ प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है और दूसरे के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए सेंटेंस से समझिए, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई वॉज अवेटिंग माई रिजल्ट। दोनों का अर्थ एक ही होता है, पर वेटिंग के साथ आपका प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है फोर, और अवेटिंग के साथ आपका प्रपोजिशन नहीं प्रयोग किया जाता, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता। यह है इसमें ध्यान रखने वाली बात, गलती आप वही यहां पर भी वही गलती करते हैं, कौन सी, अवेटिंग के साथ प्रपोजिशन प्रयोग करके। ठीक है, यह हुआ आपका वेट और अवेट। अगला हम देखते हैं देखिए, जैसे सेंटेंस है, ही वॉज accused of murder, he was guilty of murder, he was charged with murder। तो आपको ध्यान देना है, कंफ्यूजन रहता है इसमें, accused के साथ of, guilty के साथ of, और charge के साथ with का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को सेंटेंसों को ध्यान से देखिए, he was accused of murder, he was guilty of murder, he was charged with murder। शब्दों के साथ देखना है आपको प्रपोजिशन कौन सा प्रयोग किया जाता है। आपको पूरी एक पीडीएफ मिलेगी
जिनमें बताया जाएगा कि किस शब्द के साथ किस प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रपोजिशंस हैं बहुत सारे, सारे के सारे नहीं पढ़ाए जा सकते यहाँ, केवल आपको जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। अगर कुछ रह जाएगा इम्पोर्टेंट तो वो आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, जैसे ओल्डर और एल्डर। ओल्डर का प्रयोग कब किया जाता है? जब उम्र में बड़ा दिखाने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो जिसका आपसे ब्लड रिलेशन नहीं, और ब्लड रिलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे खून का संबंध हो, उसके लिए प्रयोग किया जाता है एल्डर का, और अन्य के साथ ओल्डर का। और इनके साथ प्रपोजिशन कौन सा प्रयोग किया जाता है? ओल्डर के साथ प्रयोग करते हैं आप देन का, और एल्डर के साथ प्रयोग करते हैं टू का। देखिए, ही वॉज माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी, दोस्त है, इससे खून का संबंध होता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने प्रयोग किया था ओल्डर, ओल्डर के साथ देन का प्रयोग। अगला सेंटेंस देखिए, इसी तरह से माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, ठीक है। भाई से होता है खून का रिश्ता, इसलिए हमने यहां प्रयोग किया एल्डर। और एल्डर के साथ कौन सा प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? टू का। ध्यान रखने वाली चीज है, ओल्डर के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा आपका? देन, और एल्डर के साथ टू। अब देखते हैं हम कुछ प्रपोजिशन से रिलेटेड कुछ नियम देखते हैं, जहां जिनका प्रयोग किया जाता है जब आप प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो उन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। यदि कोई प्रपोजिशन है और उसके बाद कोई प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। प्रोनाउन, अगर किसी प्रपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है तो कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे ही डिपेंड्स ऑन मी, ना कि ऑन आई, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग आप करेंगे, एक नियम हुआ ये। दूसरा नियम है, अगर दो एडजेक्टिव जोड़े गए हैं आपके, दो एडजेक्टिव जोड़े गए हैं, दो नाउन जोड़े गए हैं, और या प्रोनाउन जोड़े गए हैं, और वे अलग अलग प्रपोजिशन लेते हैं तो उनके साथ अलग अलग का प्रयोग करेंगे, प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वॉज सरप्राइज्ड एंड सरप्राइज एट एज वेल एज प्लीज्ड विद, हिज परफॉर्मेंस। देखिए, इसमें इसके साथ इसे और इसे क्या है, आपकी वर्ब है, इन्हें जोड़ा गया है एज वेल एज। इनके साथ आपका, इनके इसके साथ प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है एट का, और प्लीज के साथ विद का। तो गलती कहाँ हो जाती है, आप इसके साथ प्रपोजिशन का प्रयोग करना भूल जाते हैं। तो जब दो प्रपोजिशंस को, दो वर्ब को या एडजेक्टिव को जोड़ा जाए तो उनके साथ जिस भी प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा उन्हें आप अलग अलग करेंगे। जैसे इसके साथ अलग प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया तो इसके साथ अलग प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, इसके साथ अलग प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि दोनों ही वर्ब्स के साथ आप प्रयोग कर देंगे एक ही प्रपोजिशन का, वो हो जाएगा गलत। अगला देखते हैं हम, कुछ शब्द देखते हैं जिनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कुछ ये शब्द हैं आपके, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर,
प्रायर और ये हुए, और कुछ होते ये एक तो ये हुए और से सजेस्ट प्रपोज इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट से पहले आप प्रपोजिशन कौन सा प्रयोग करेंगे टू, और जहां भी आपको ये सारे शब्द दिखाई दें ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही सुपीरियर टू मी, इंफीरियर टू मी, ही से टू मी, ही सजेस्ट टू मी, ही सजेस्टेड टू हिम, क्या प्रयोग करेंगे आप टू, ही प्रपोज्ड टू हिम, तो इन सभी के साथ आप प्रयोग करेंगे टू का। ठीक है, अगला नियम देखते हैं एक और। यदि किसी वाक्य में होम शब्द दिया है, होम कौन सा शब्द दिया है आपका, दिया है होम, और इससे पहले आपको शब्द दिए हुए हैं गो, गेट, कम, अराइव, रीच, तो होम से पहले आप किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही वेंट होम, और ये सेंटेंस देखिए ही वेंट टू होम, कौन सा सेंटेंस सही होगा इसमें? पढ़ने में दोनों सही लग रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज में बोल देते होंगे आप ही वेंट टू होम, ठीक है, पर आपका गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है। अगर होम है, केवल होम है, तो उससे पहले, और ये शब्द दिए हुए हैं आपके होम से पहले, तो आप होम से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। पर अगर होम से पहले पॉजेसिव केस है, यानी कि आपको हिज, हर, माई, योर, देयर, ये सब दिए हुए हैं, आवर, तो आप प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और कौन से प्रपोजिशन का, टू का। अगर केवल होम दिया है, ही वेंट होम, केवल इतना है, होम से पहले आपका कोई भी पॉजेसिव प्रयोग नहीं हुआ है, तब आप किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहां लिखा होता ही वेंट हिज होम, तो यहां आप किस प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, टू, यानी कि ही वेंट टू हिज होम, एज हिज, हर, माई, योर, देयर, और कोई सा भी होता, आप होम से पहले अगर आपका पॉजेसिव केस लिखा हुआ है, पॉजेसिव लिखा है, तो आप प्रयोग करेंगे प्रपोजिशन टू का। अगर केवल होम लिखा है तो आप किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये क्लियर हुआ। और एक और नियम देखते हैं हम, देखिए यस्टरडे, टुडे, टुमारो, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, या द डे बिफोर, इन सभी के साथ आप प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए कैसे, ही केम ऑन यस्टरडे, या ही विल गो टू दिल्ली ऑन टुमारो, तो इनके साथ किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैंने बताया था आपको डेज और डेट्स के साथ प्रपोजिशंस ऑन और एट का प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये भी आपके दिन ही है, पर इनके साथ आपका ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरह से अगर यहां ये भी होता ही केम यस्टरडे मॉर्निंग, तब भी किसी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग के साथ मैंने बताया था इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसका, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इस प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है मॉर्निंग के साथ और इवनिंग के साथ, मैंने बताया था इनका प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसे लिख के आएगा यस्टरडे मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, तो
प्रपोजिशन का प्रयोग आप नहीं करेंगे, केवल अगर मॉर्निंग इवनिंग होगा तब प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये समझ में आई बात। अब देखते हैं हम, देखें कुछ प्रपोजिशन होते हैं, जैसे आपका हुआ सरप्राइज्ड, शॉक्ड, स्टार्टल्ड, इनके साथ प्रयोग किया जाए, अमेज्ड, इसके साथ प्रयोग किया जाता है किसका, एट का, एट प्रपोजिशन का प्रयोग। और एक आपका ये जैसे ही है, रीजन और कॉज, रीजन और कॉज, दोनों का क्या मतलब होता है, दोनों का अर्थ होता है कारण, रीजन का मतलब भी कारण होता है, कॉज का मतलब भी कारण होता है, पर रीजन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, रीजन फॉर, और कॉज के साथ कॉज ऑफ, ये ध्यान रखने वाली बात। तो प्रपोजिशंस तो ये खत्म हुए, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, और जो रह जाएगा वो आपको PDF में मिल जाएगा, उन्हें आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन सीरीज भी आएगी, उसमें देखेंगे कितने प्रपोजिशंस आपको सीख पाए हैं, ठीक है। तो प्रपोजिशंस आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया, अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अब देखते हैं आज की क्लास के idiom phrases और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो अब देखते हैं हम लोग idiom phrases। पहला idiom है आपका इन ए टाइट कॉर्नर, इसका मतलब होता है इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि मुश्किल हालात में। तो इसका सेंटेंस में प्रयोग किस तरह से बनेगा, आई फाउंड माई सेल्फ इन ए टाइट कॉर्नर व्हेन आई लॉस्ट माई टिकट, मैंने खुद को मुश्किल में पाया, मैंने खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया जब मेरा टिकट खो गया। अगला है आपका एट सिक्सेस एंड सेवेंस, यानी कि इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, ठीक। इसका सेंटेंस में प्रयोग देखिए, विदाउट द मेन कैरेक्टर द शो वुड हैव बीन एट सिक्सेस एंड सेवेंस, मेन कैरेक्टर के बिना शो अस्त व्यस्त हो जाता। अगला है एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है लास्ट मोमेंट पर, अंतिम समय में, आई फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, मैंने अपना कार्य है, अपना प्रोजेक्ट अंतिम समय में एट द 11th आवर, इसका मतलब अंतिम समय में खत्म किया। एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मनी होना, ठीक है। To have bitter enmity, इसका sentence में प्रयोग देखिए, India and Pakistan at daggers drawn due to Kashmir, ठीक। अगला है at one's fingers ends, यानी कि किसी को पूर्ण जानकारी होना किसी भी टॉपिक की, पूर्ण जानकारी होना किसी की चीज़ के बारे में पूर्ण जानकारी होना, उसके लिए प्रयोग करते हैं at one's fingers end, यानी कि सेंटेंस में प्रयोग बनेगा all the topics of history are at my fingers ends। तो ये हुए आपके idiom phrases, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। पहला है आपका कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि कानून के विरुद्ध, वो होगा इलीगल, अवैध, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो पढ़ा ना जा सके, वो होता है आपका इलिजिबल, कंफ्यूजिंग है, इलिबल, इलीगल, इलिजिबल और इलिटरेट, ये आपके कंफ्यूजिंग रहते हैं थोड़े से। एक इलिसिट होता है, वो भी अवैध होता है। One who does not know reading and writing, जिसे पढ़ना और लिखना ना आता हो, वो होता है आपका illiterate, यानी कि अनपढ़। अगला, a sound that cannot be heard, जो आवाज़ सुनाई ना दे, जिसे सुना ना जा सके, वो होती inaudible, जो सुनाई ना दे। अगला, animals which live both on land and in water, यानी कि जो पानी में और जल, पानी में और धरती पर, दोनों पर रह सकते हो, वो होते हैं आपके एम्फीबियन, यानी कि उभयचर। अगला, ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, ऐसा कार्य जिस या किताब जिसके राइटर के बारे में कोई पता ना हो, गुमनाम, यानी अनोनिमस, यानी कि गुमनाम। अगला है किलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कई सारे व्यक्तियों का, बहुत से व्यक्तियों का कत्ल क्या कहलाता है, कार्नेज, नरसंहार। अगला है
अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, यानी समय में, समय के क्रम अनुसार, वो होता है आपका क्रोनोलॉजिकल, यानी समय के क्रम अनुसार। हिस्ट्री में जो भी समय के साथ साथ जो जो हुआ वो होता है क्रोनोलॉजिकल। अगला है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, यानी कि नक्शे मानचित्र बनाने की जो कला होती है वो होती है आपकी कार्टोग्राफी, मानचित्र कला। ए स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, जो किसी नाटक ड्रामा के बाद में जो स्पीच या पोयम बोली जाती है वो होती है आपकी एट द एंड, नहीं एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग स्पीच जो किसी भी ड्रामा या नाटक के शुरू में बोली जाती है वो होती है आपकी प्रोलॉग, और जो बाद में बोली जाती है वो मैंने बताई थी एपिलॉग, बाद वाली होती है आपकी एपिलॉग, और शुरू में जो दी जाती है वो होती है प्रोलॉग। ठीक, ये हुए आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। तो ये आज की क्लास में इतना ही, प्रपोजिशंस आपका इस क्लास में खत्म हो गया, वन वर्ड्स हो गए, idiom phrases हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट है प्रपोजिशंस को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और प्रपोजिशंस जो रह गए हैं कुछ उसकी आपको PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे ग्रुप से भी जुड़िए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिना सब्सक्राइब किए ना छोड़कर जाएं चैनल को। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। Thank you.